एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच्चे है भी सच्चे नानक होसी भी सच्चे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम। ये CBSE 2010 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकालना GDP एट FC और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए, ये चीज़ें दी हैं। पहले खुद एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, ट्राई कर ले। तो मैं पहला स्टेप करने वाला हूँ आपके लिए। पहला स्टेप मेरे को पता लग रहा है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, तो मेरे को पता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया तो इनकम मेथड लगेगा। इनकम मेथड से निकलता क्या है, NDP एट FC, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है सीधा 800 सीधा दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया, तो हमने रेस्ट इन पीस वाला फॉर्मूला लगा दिया, RIP है। रेंट 150 दिया है, इंटरेस्ट 100 दिया है, प्रॉफिट 200 दिया है, रॉयल्टी 0 दिया है। मिक्स इनकम कुछ नहीं है, मिक्स इनकम कितनी है, दी नहीं हुई तो 0 ले लिया हमने। तो मेरे पास NDP एट FC कितना आ गया है यहाँ पे, 1250। NDP एट FC 1250 है, और मेरे को GNP एट MP गिवन है। देखो, GNP एट MP 1400, गिवन है। NDP एट FC निकल आया, GNP एट MP भी गिवन है, और डेप्रिसिएशन मैं निकाल सकता हूँ। डेप्रिसिएशन बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन कैसे निकल रही है। आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फर्क क्या होगा, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली 300 दी है, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकली है मेरे पास, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये रही प्लस चेंज इन स्टॉक ये रहा। सो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेरे पास 250 आई, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा सीधा 300 दी थी। दोनों का फर्क इज व्हाट, डेप्रिसिएशन। पहले पार्ट में मेरे को निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है GDP एट FC निकालना। GDP एट FC कैसे निकलेगा, मैं NDP एट FC निकाल चुका हूँ इनकम मेथड से। सो GDP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC ग्रॉस नेट, ग्रॉस बड़ा है वड्डा कंसेप्ट, प्लस डेप्रिसिएशन। सो मेरे पास ये 1300 आ गया, मीन्स GDP एट FC आ गया। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में मेरे को निकालना क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना। पहले अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे। GDP एट FC आप निकाल चुके हैं, आपने जो इससे निकाला था इनकम मेथड से NDP एट FC, NDP एट FC में डेप्रिसिएशन प्लस करा था, GDP एट FC आ गया था। डेप्रिसिएशन मैंने आपको यहाँ पे निकाल के सिखा दी थी। अब आपको सेकंड पार्ट में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। अच्छा, पहले आप नेशनल इनकम निकाल लें। नेशनल इनकम NNP एट FC होता है। NNP एट FC इज इक्वल टू व्हाट, GNP एट MP दिया हुआ, कितना दिया GNP एट MP, 1400। सो GNP एट MP ये छोटा कंसेप्ट है माइनस डेप्रिसिएशन, FC भी छोटा कंसेप्ट है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनल सेम है। तो NNP एट FC कितना आ गया, 1230। अच्छा, अब नाइफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम इज NNP एट FC 1230, डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC होता है, वो हम कितना निकाल चुके थे, 1250। इन दोनों का फर्क -20, दैट इज नाइफा। नाइफा का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी है, देखो क्वेश्चन में मेरे पास 60 दे रखी है क्वेश्चन में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम, ये हमारे पास क्या है, नाइफा आया कितना आया, -20। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मैंने यहाँ पे गलती से नाइफा लिख दिया था, ये 60 दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो अब आपके पास फ्रॉम अब्रॉड 60 लिख दिया, टू अब्रॉड निकालना, और नाइफा कितना निकाल चुका है, -20, और आपके पास 80 आ गया टू अब्रॉड। क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट।